एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और लास्ट में देखेंगे अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ विद सम एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं गाइस, अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप मेडिटेशन करें, पूजा करें, ध्यान करें, तो ताइवान के लिए, जापान के लिए प्रे ज़रूर करें, बिकॉज़ बहुत सारे लोग परेशान हैं। और आपने न्यूज़ देखी ही होगी, मुझे तो मेरे क्लाइंट्स ने ही वहाँ का पूरा मंज़र भेजा, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और काफ़ी लोग तो इंडियंस हैं जो वहाँ पे बेस्ड हैं, रहते हैं, NRIs हैं, और उन्होंने बताया कि मैम आपने कहा था ग्रहण के वीडियो में कि ग्रहण के बाद आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी, और आपने ये भी कहा था कि आपको चैनलिंग हुई, बट आपने नहीं बताया क्योंकि लोग डर जाते हैं और आपकी तबीयत भी ख़राब हो गई, फिर लास्ट में आपने बताया। और इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड में मैंने कहा था कि पानी से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी और ईस्ट दिशा से रिलेटेड खबर आएगी, और भूकंप का मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था, तो उन्होंने कहा है कि सुनामी की वार्निंग दी गई है और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और अभी कितना और कोई अलर्ट दिया जाता है ऐसी कंट्रीज़ में। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में तो कोई अलर्ट नहीं होता, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अलर्ट सिस्टम है, बट ताइवान में अलर्ट किया जाता है भूकंप आने के पहले ताकि लोग घरों से बाहर निकल जाएं। एटलीस्ट जो मटेरियल लॉस हो वो तो ठीक है, बट लाइफ का लॉस नहीं होता। और इस बार कोई अलर्ट भी जारी नहीं किया गया, और मतलब कि लॉस बहुत हुआ है, अब धीरे धीरे न्यूज़ बाहर आएगी और बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रे कीजिएगा मेडिटेशन में, क्योंकि जो भी सोल्स हैं जो नहीं रहीं उनके लिए भी, और जो लोग हैं जो परेशान हैं उनकी प्रॉब्लम भगवान तक जाए और भगवान दूर करें जल्द से जल्द, बस यही कह सकती हूँ। और क्या कह सकते हैं, हम लोग प्रे ही कर सकते हैं। शुरू करते हैं, हर हर महादेव। अनएक्सपेक्टेड से लोग डर जाते हैं, लेकिन बहुत गाइडेंस मिलती है एंजल्स, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, इसीलिए आपको वार्न करते हैं। सो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ बहुत ज़रूरी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेक्ट कर सकें खुद को। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त, क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में, बहुत ज़्यादा हैं, ये दो लेंगे हम। वी हैव हर्मिट एंड मजिशियन, थ्री मोर कार्ड्स, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर एंजल्स एक और मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे उससे रिलेटेड भी गाइडेंस है आपके पर्सन की एनर्जी के अलावा। डेस्टिनी को कोई बदल नहीं सकता, जहाँ जिसकी मौत लिखी है उसे कोई टाल नहीं सकता, ये मैसेज है यहाँ पर। तो हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, हम मेडिटेट कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली मैसेज यहाँ पर आया है। और आपके पर्सन की एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी एनर्जी ऐसी है जो कि आपने नोटिस किया होगा कि ग्रहण के बाद से, जो चंद्र ग्रहण गया है उसके बाद से आपके पर्सन की एनर्जी में या तो बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव शिफ्ट आया होगा या एक्सट्रीम नेगेटिव शिफ्ट आया होगा। अब आप कौन से शिफ्ट से गुजर रहे हैं इस पर पूरी एनर्जी बेस करती है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में फ्लक्चुएशंस बहुत हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स,
डेथ आया है तो द फूल आएगा ही, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती है। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एम्प्रेस। सो गाइस, साइन बता देती हूँ, यहाँ पे है वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज, पाइसेस, कैंसर एंड वी हैव ऑल द साइंस। हिंदी में बताऊँ तो मेष, वृश्चिक, मीन, कन्या, कर्क, ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई भी साइन है तो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर मौजूद है, जो सभी साइंस को कैरी करता है। एनर्जी हैवी है आपके पर्सन की, एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत अकेले रहने की कोशिश कर सकते हैं या कर रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें डेस्टाइंड हैं जो ख़त्म होंगी, कार्मिक साइकिल्स हैं। तो अगर ये डेस्टाइंड कार्मिक साइकिल आपके साथ है तो आपको ट्रिगर मिल सकता है, और अगर ये डेस्टाइंड कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी के साथ है, जो भी है अदर सिचुएशंस, तो इनको वहाँ से ट्रिगर मिल सकता है। आपको नोटिस ये करना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको ट्रिगर मिल रहा है या किसी अदर सिचुएशन को ट्रिगर मिल रहा है। अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने और एक्शन लें, या तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं कि एक्यूरेटली आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा वाइब्स ऐसी हैं जैसे आपके पर्सन ने ठान ली है कि अब ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, जो इनको कन्फ्यूज़ कर रहा है सिचुएशन, उस सिचुएशन को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो नई शुरुआत है ये क्या होगी, कैसे होगी, ये हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कैसी एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। क्यों आया है हर्मिट पहला कार्ड, जस्टिस और सन, सूर्य शनि साथ में है विद इमोशनल लॉस। देखिए, सूर्य भगवान के पुत्र हैं शनि देव, और सूर्य देव के एनिमी प्लैनेट, शत्रु प्लैनेट भी हैं, सबसे बड़े शत्रु कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जबकि पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन अगर साथ में किसी हाउस में बैठ जाएं तो उपद्रव मचा देंगे उस हाउस में। तो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की, कोई ना कोई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी है, उपद्रव हुआ है इनके लाइफ में ऑलरेडी, और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है इस कारण से आपके पर्सन हैं बहुत ज़्यादा दुखी, और इसलिए ये हैं अकेले, समझ रहे हैं। इनके और इनके फादर, इनके या इनकी फैमिली, इनके या सोसाइटी, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। क्यों आया है मजिशियन, क्या सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मजिशियन ने ही क्लैरिफाई कर दिया है, और मजिशियन के बाद डेथ आया है, और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो इट्स 100% सेम एनर्जी, क्योंकि मेजर अरकाना से आया है तो ये ऐसे ही नहीं आया है। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की है अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कि ये ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ, और अपने प्यार से करना चाहते हैं, मीन्स आपसे करना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली ने इनकी एक बात नहीं सुनी है। इनकी फैमिली ने सीधा इनको सिरे से नकार दिया है कि कुछ नहीं होगा, जो हम कहेंगे वही होगा, और इस वजह से काफ़ी लोगों के पर्सन परेशान हैं, काफ़ी लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत बोल्ड स्टेप लेंगे कि ठीक है भाई, आपको जो करना है आप करो, मुझे जो करना है मैं करूँगी या मैं करूँगा। कुछ लोग तो इस एनर्जी में हैं, कुछ लोगों के पर्सन थोड़े, देखिए सबका फीलिंग एक जैसा नहीं होता, कुछ बोल्ड होते हैं, कुछ थोड़े दब्बू नेचर के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। कुछ बोल के हटा देते हैं, एक गाली दोगे तो वो चार गाली दे के आपको ख़त्म कर देगा। कुछ लोग होते हैं एक झापड़ मारोगे तो पांच झापड़ मार के आपको ख़त्म कर देगा, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप सुनाते जाओ वो सहते जाते हैं। तो इंसान की फितरत अलग अलग होती है, सब एक जैसे रिएक्शन नहीं देते, सबके रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जिस एनर्जी में होंगे उसके हिसाब से आपको रिएक्शन देखने मिलेगा, बट एनर्जी इज़ दिस सेम एनर्जी, बिकॉज मेजर अरकाना और टैरो दोनों से सेम एनर्जी आई है। क्यों आया डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है सफरिंग ने, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सफरिंग, और ये अब सफरिंग नहीं चाहते। मैंने आपसे क्या कहा, कार्ड निकालने के पहले ही मैंने कहा ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, लेकिन अब ये एक को चुनेंगे, एक को छोड़ देंगे, और यहाँ ऑब्स्टिकल्स के कारण अब ये जगलिंग नहीं चाहते, अब ये एक डिसीजन पे आना चाहते, ये सफरिंग में नहीं रहना चाहते, और ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही फाइनल डिसीजन लेंगे। कैसा है डेस्टिनी, क्या है डेस्टिनी, यहाँ टावर आ गया, ये देखिए कार्मिक ट्रिगर मिलेगा, ये भी मैंने आपको बोल दिया कि जिसके साथ कार्मिक साइकिल होगी ट्रिगर मिलेगा, बहुत तगड़ा ट्रिगर मिलेगा।
सूर्य ग्रहण आने के पहले ये सारी वाइब्स हैं। देखिए अभी एक ग्रहण बीता है, उसकी एनर्जी से अभी रिकवर नहीं हुआ है, अभी दूसरा ग्रहण का तो पता नहीं क्या होगा भाई। यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स है, लोगों को लगता है कि ग्रहण हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स बहुत मेजर होते हैं जो कि पता नहीं चलते। लोगों को लगता है एवं हो गया, बट एवं कुछ नहीं होता इस धरती पर। ये ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म होगी, जहाँ भी ये ट्रैप्ड हैं वो सिचुएशन ख़त्म होगी, और फिर लेंगे नया डिसीजन। द फूल का, यहाँ पे द फूल को क्लैरिफाई किया है डेविल ने विद टू ऑफ वॉन्ड्स। इनसे अब और इंतज़ार नहीं होगा, ये और टॉक्सिक सिचुएशंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपके पर्सन बिंदास एक नया एक्शन लेंगे। मतलब न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है। एम्प्रेस क्यों आई हैं, ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन कंप्लीशन का डिसीजन लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। वी हैव एम्प्रेस विद द सन एंड लवर्स, मतलब आपके पर्सन कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे कि एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग की वाइब से। मैंने कहा रीबर्थ, यहाँ पे आपको एक प्रेग्नेंट वुमन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर रीबर्थ का इंडिकेशन है, और यहाँ पर कंप्लीशन का है 9 एंड 10। सो आपकी जो लव लाइफ है वो अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, विद अ न्यू स्टार्ट, विद 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिफ्ट आपको देखने मिलेगा, और एनर्जी आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन की हैवी है, बहुत लाइट एनर्जी तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपके पर्सन पॉजिटिव सोचना चाह रहे हैं, भले सिचुएशन जैसी भी हो, इनको ऐसा लग रहा है कुछ भी हो, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, केमिस्ट्री आपके साथ बहुत स्ट्रांग है, या आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा पर्सन दोबारा नहीं मिलेगा लाइफ में, और मैं रेडी भी नहीं हूँ ऐसे पर्सन को खोने के लिए, ये वाली वाइब्स है। आपके पर्सन अगर आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपके सामने आने वाली हैं। कुछ लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये भी है कि मैंने बहुत कुछ छुपा रखा है अपने दिल में, मुझे सब कुछ बताना होगा, मैं गलत नहीं कर सकता, और अगर गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे उसको बताना होगा, उसका हक बनता है। तो यहाँ काफ़ी लोगों के पर्सन के चेहरे से मास्क भी उतरेगा, इनकी रियलिटी आपके सामने आने वाली है बहुत जल्द। रिकंसिलिएशन काफ़ी लोगों का होगा, और काफ़ी लोगों की लाइफ में रियलिटी पता चलेगी। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें आई हैं। कुछ लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये भी है कि कहीं आप इन्हें धोखा तो नहीं दे रहे, या आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, कहीं आप इनसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, या आप पलटी तो नहीं मार जाएंगे, क्योंकि ये शादी का प्लान कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे शादी करनी है, रिकनसाइल करना है, और इस सिचुएशन को शादी में कन्वर्ट करना है, परमानेंट यूनियन में कन्वर्ट करना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके लिए सब कुछ करूं और इसकी तरफ से ही ना हो जाए, या यही पलटी खा जाए बाद में। तो ये कुछ चीज़ें कंफर्म करने की भी सोच रहे हैं। ये अपने फाइनेंशियल कंडीशन और करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने आपसे शादी करने का डिसीजन ले लिया तो इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है। या आपको अपनी लाइफ में लाकर आपको और अपने आप को परेशान तो नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सबकी लाइफ में मदर फादर ही प्रॉब्लम नहीं होते, या थर्ड पार्टी कोई अदर सिचुएशन ही प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि अभी मैं क्या इस काबिल हूँ कि मैं शादी कर लूँ और अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले लूँ। सब लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। प्यार करना, फ्लर्ट करना, टाइम पास करना सबके लिए रेडी है, सबके लिए आसान है, बट शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है करंट फीलिंग्स में कि मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, बट मैं इस सिचुएशन से रिलीज़ हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, क्या मैं साथ निभा पाऊँगा, कहीं मैं अपने आप को किसी बर्डन में तो नहीं डाल रहा हूँ या नहीं डाल रही हूँ। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ कुछ लोगों के पर्सन अगर सडनली ये कहें कि समय लो, थोड़ा पेशेंस रखो, बाद में बताते हैं, या पोस्टपोन करें चीज़ों को, तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, क्या एक्शन हो सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं आपके तरफ। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, इस दिन के लिए बड़ा किया तुम्हें, इस दिन के लिए इतना पाला पोसा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरे ऊपर,
ये सारी बातें आपके पर्सन सुन रहे हैं इस वक्त। एट ऑफ सोर्ड्स ट्रैप्ड है लोग समाज सोसाइटी चक्कर में। इसीलिए सॉलिट्यूड में है। जस्टिस की एनर्जी है, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत मिल रहे हैं और दूसरी बात ये जस्टिस करना भी चाहते हैं। आपको होप रखनी है, आपको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। एट नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। आज कौन सी तारीख है, रुको मैं फ़ोन में ही देख लेती हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता। 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को ये रीडिंग हो रही है, 8 अप्रैल तक ये रेजोनेट कर जाएगी। और अगर ये रीडिंग आप अप्रैल में नहीं देखते हैं, मई में देखते हैं, जून में देखते हैं, जुलाई में देखते हैं, तो इस रीडिंग को देखने के 8 दिन के अंदर, 80 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर, 26 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। क्या इस ट्रैप्ड सिचुएशन से निकल पाएंगे, ख़त्म होगी ये सिचुएशन? थर्ड पार्टी में ही ट्रैप्ड हैं गाइस, दिमाग में ज़ख्म हो गया इनके, तो क्या निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे इस सिचुएशन से? हाय, ये देखो भाई, बिल्कुल निकलेंगे। यहाँ तो यूनियन ही यूनियन है, मदर गाया साथ में है, डेस्टिनी आपके साथ है, तो कोई रोक नहीं सकता। ऐसी एनर्जी पहले रेयर ही आई है ना, एक साथ गजब की एनर्जी है गाइस, मदर गाया की वाइब्स हैं यहाँ पर। ये देखिए गजब की, पता नहीं क्यों इस कार्ड में ऐसा होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन माँ की पावर है, देवी की शक्ति है, पता नहीं क्यों होता है ऐसे। न्यू बिगिनिंग होगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको, ये सिचुएशंस ख़त्म होंगी, यूनियन भी होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है, सब एकदम पका पकाया नहीं मिलेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। प्रे कीजिए, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। एक कार्ड यहाँ पे भी है जो बेस चक्रा का है, रूट चक्रा वही करियर को बता रहा है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। आज रीडिंग लेट पोस्ट होगी क्योंकि मैं अभी अभी कर रही हूँ, कितना बज गया, 1:39 पे तो मैं ही कर रही हूँ, तो आपको 2 बजे तक मिलेगी ये वीडियो। कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी रहिए, पीसफुल रिजोल्यूशन, तभी बीच का रास्ता निकलेगा। मैरिड है या अनमैरिड है, कई लोग बोलते हैं मैम मैरिड कपल के लिए अलग से करो, देखिए ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए, आप जिसको सोच कर देख रहे हैं उसकी एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। अगर मैरिड कपल हैं तो एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए रेडी रहिए। मैरिज में ईगो नहीं होना चाहिए, आप और वो एक शरीर है, अपने आप को एक ही समझा कीजिए। अगर आपने शादी की है तो आप एक हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट आपकी डिसरिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट उनकी रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों शादी के बाद भी अपने आप को अलग अलग समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। रिकंसीडर, कोई भी डिसीजन ईगो में ना लें, गुस्से में ना लें, किसी के बहकावे में ना आएं। अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा रिजर्व रखना चाहिए, नज़र लग जाती है। हमेशा अपनी मैरिड लाइफ को बहुत रिजर्व रखिए, दोस्तों के सामने, परिवारजनों के सामने बहुत ज़्यादा दिखाने से भी नज़र लग जाती है। सो ऑलवेज़ कीप सम सीक्रेट्स, क्योंकि जब नज़र लगती है तो बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। आस्क यू एंजल्स, आपके एंजल्स ऐसा कह रहे हैं, हमेशा एंजल्स आपके साथ हैं। मेडिटेशन करते रहो अगर आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो। ये इसका कार्ड है, आने वाले समय में सब सुधरेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको, कुछ बड़े एक्शंस आपको देखने मिलेंगे। देखते हैं महादेव की तरफ से, विल टेक 2 कार्ड्स हमेशा की तरह, तो हम लेंगे भगवान की गाइडेंस आज के दिन में। चलिए एक कार्ड आ गया हमारे पास। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शिव जी की ब्लेसिंग्स के अंडर में है, मतलब भगवान भोलेनाथ की छत्र छाया में है, तो अगर आपकी लाइफ से कुछ छीना जाता है तो उसमें भी संतुष्ट रहिए, और अगर आपको कुछ दिया जाता है उसमें भी संतुष्ट रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपके साथ वही होगा जो आपने इस धरती पर आने के पहले डिसाइड किया है।
आप भूल चुके हैं इस धरती पर आने के पहले कि आपने किसके साथ मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ एनिमी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम मिलेंगे इस टाइम पे फिर हम रिलीज़ हो जाएंगे। तो आपको नहीं याद रहता क्योंकि आप तो सब भूल गए, आपकी मेमोरी डिलीट हो गई है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको सब याद आने लगता है, आपको सब समझ में आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पास्ट लाइफ भी कई बार आपको नज़र आने लगती है। तो यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो आप समझ लीजिए कि वो चीज़ें डेस्टाइंड हैं और वो हो के रहेंगी, चाहे वो अच्छी हो रही हैं या बुरी हो रही हैं। लेकिन भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, उसका रिजल्ट आपको थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ठीक है, आपके लिए जो मैसेज है भगवान का कि जो स्नेक है, जो सर्प है, वो रिप्रेजेंट करता है थ्रोट चक्रा को और बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो अगर आप कोई भी बात करते हैं, बात करने के पहले भी सोच के बोलिए, क्योंकि जब आप थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक होगा तो कई बार होता है कि इंसान बोल देता है और बोलने के बाद सोचता है और उसे फील हो जाता है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया या मैंने गलत बोल दिया या मैंने ऐसी जगह बोल दिया कि अब उसको चाह कर भी सुधारा नहीं जा सकता, बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। कई लोग होते हैं समाज में ही डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, कई लोग होते हैं चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, कई लोग होते हैं जो समाज में ही बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर देते हैं और जब बाद में उनको वही चीज़ दिखाई जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया या ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार इंसान को समझ ही नहीं आता कि बोलना क्या है, कई बार इंसान बहुत ज़्यादा बोल जाता है, कई बार इंसान बोल ही नहीं पाता, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस लेवल ही ज़ीरो रहता है, दबा रहता है अंदर, दबाए रहता है सब कुछ और कई बार एकदम भड़ास निकाल देता है। तो ये सब ब्लॉकेज की निशानी है। जब आपका थ्रोट चक्रा हील होगा तो आप बोलने के पहले सोचेंगे और दिमाग और ज़ुबान कंट्रोल रहेगी, लिंक रहेगी, तो आप सोच समझ कर बोलेंगे। बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करने के पहले भी आप सोचेंगे। थ्रोट चक्रा हील होता है तो आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हो जाती हैं, आप जो भी बोलते हैं वो वाणी सत्य हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऐसे लोग जिनका थ्रोट चक्रा हील्ड है उन्हें बहुत ज़्यादा सोचकर बोलना होता है। अगर उनको किसी ने तकलीफ़ दी और उन्होंने गलती से भी कुछ बोल दिया ना, तो वो चीज़ें उस व्यक्ति के साथ घटित हो जाती हैं। तो इसलिए उनको अच्छा भले बोले लोगों के लिए, बट बुरा कभी नहीं बोलना चाहिए और बहुत अपनी ज़ुबान पर बहुत उनके वैसे भी कंट्रोल आ जाता है। स्टिल जिन्होंने मेडिटेशन किया है, साधना, इसीलिए कहा जाता है ना, जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोग को हमारे घर में सिखाया जाता था कि जब भी कोई नागा साधु देखो तो उनके सामने से हट जाओ। क्यों कहा जाता था नागा साधु के सामने से हट जाओ? क्योंकि नागा साधु जो होते हैं वो साधक होते हैं। हठ योगी, नागा साधु, ये लोग जो होते हैं इनके अंदर एक पावर होती है कि ये जो बोल देते हैं, इनकी वाणी जो है ना वो जागृत होती है, ये जो बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा। तो इसीलिए सिखाया जाता था कि आप दूर हट जाया करो, क्योंकि अगर इन्हें गुस्सा आ गया आपके ऊपर या आपके पहनावे पर या आपके वर्ताव पर, बिहेवियर पर, तो उनकी ज़ुबान से निकली हुई वाणी सत्य हो जाएगी, आपका नाश हो जाएगा। तो इसलिए नागा साधु से हम लोग बचपन में बहुत डरते थे। ठीक है, तो मैं जब केदारनाथ गई थी तो मेरे बगल में बहुत सारे नागा साधु बैठे थे और जो वहाँ के मेन जो नंदी महाराज के पास नागा साधु रहते हैं उनका नाम बहुत फेमस है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे घर में सबको याद है नाम। तो उनकी तरफ देखी मैं, तो मैं दूर खड़ी थी क्योंकि मुझे बचपन की बातें याद आ गईं कि नागा साधु हैं तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो मैं दूर से अपना भगवान जी का मंदिर बाहर से देख रही थी क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे और हम लोग रुके थे वहाँ पे। तो मैंने सोचा शाम को दर्शन करेंगे, अभी बहुत भीड़ है। तो अभी मैं बाहर घूम रही थी, मंदाकिनी रिवर के पास बैठी थी और मेरे काफ़ी वीडियोस भी होंगे शायद, अगर होंगे तो उन्होंने मुझे, मैं उनके पास नहीं जा रही थी, उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मैं डर गई, बहुत डर गई थी और मैं सोची यार नागा साधु क्यों बुला रहे हैं मुझे। तो मैंने पहले तो हिम्मत करके गई उनके पास, अपने स्लीपर ऊपर निकाल के, फिर जाके उनके पैर लगी। पैर लगने के बाद उन्होंने मेरे बारे में कुछ चीज़ें बताई और
बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उन्होंने ही मेरे गाल पे त्रिशूल लगा दिया। तो मेरी एक फ़ोटो है जिसमें मैं केदारनाथ पे खड़ी हूँ और मेरे गाल पर त्रिशूल लगा हुआ है। तो ऊपर त्रिशूल तो लगाया, सबके लगाया, मेरे तो गालों पर भी त्रिशूल लगा दिया। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि वो भी समझ गए हैं कि ये बहुत घबराई हुई है। तो उन्होंने बैठाया, बाद में बातचीत की। तो नागा साधु से इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि उनकी थ्रोट चक्रा हील्ड होता है। तो यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है कि अपने थ्रोट चक्रा को हील करो और कोई भी बात करने के पहले सतर्क रहो। कई बार आपका मैसेज आता है कि मैम हमारी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, 5 साल 6 साल से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, कई लोगों का 10-10 साल का रिलेशन, बट कुछ बातों को ऐसा इन्होंने आपने बोल दिया या उन्होंने बोल दिया जिसके कारण रिश्ता जो है बहुत ख़राब हो गया। हर बात पे झगड़े होते हैं, चाहे पति पत्नी के बीच में, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है थ्रोट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। जब आपका थ्रोट चक्रा हील होगा तो आपका वाणी इतना प्योर हो जाएगा और आपकी बातों से लोगों को खुशी मिलेगी। तो जब किसी की बातों से लोगों को खुशी मिलने लगती है तो लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, और जब आपकी बातों से लोगों को तकलीफ़ मिलेगी तो वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो आप अपना तो हील कर ही सकते हैं, अगर आपको आपके पर्सन से तकलीफ़ पहुंचती है तो आप उनको याद करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आप पॉजिटिव अफर्मेशन और हीलिंग वहां तक सेंड कर सकें। तो आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये कार्य कर सकते हैं। तो मैंने इन सब चक्रास पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहें तो वो वीडियोस देखिए और हील कीजिए। ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।